यूपी सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने कहा है कि यूपी उपचुनाव में हम सभी सीटें जीत कर रहेंगे और उनसे कई मुद्दों को लेकर खास बातचीत की हमारे नेटवर्क 10 संवाददाता ने, सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप जी हमारे साथ, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि आज उन्होंने सहारा मॉल में दिव्यांगजनों के द्वारा जो निर्मित दीपावली पर जो उत्पाद है उसका मेले का उद्घाटन किया है। क्या मंत्री जी, क्या कुछ खास रहा, किस तरीके का ये स्टॉल लगाया गया और कितने दिन चलेगा? अभी चूंकि दीपावली का शुभ आगमन है, मैं अपनी और अपनी सरकार की ओर से सभी दिव्यांग परिवारजनों को अपनी ओर से दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। सारा मॉल में आज ऐतिहासिक दृश्य हम सब लोगों ने देखा है। दिव्यांग जनों के हित में काम करने वाली संस्थाएं और दिव्यांग परिवार के बहुत सारे योग्य सदस्यों ने अपने अपने हुनर का प्रदर्शन करते हुए बहुत सारी सामग्रियों का, खाद्य सामग्री का, कपड़े हैं, दीपक हैं, मशीनरी है, सबका निर्माण करके अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया है। जिन संस्थाओं ने, जिन दिव्यांगजनों ने आज अपनी बौद्धिक शक्ति और सामर्थ्य के आधार पर अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है, मैं उन सबको आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और मुझे उम्मीद है कि योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में प्रदेश के दिव्यांगजन अपनी बौद्धिक क्षमता, अपने हुनर के माध्यम से सशक्त होंगे और समाज के मुख्य धारा से जुड़कर राष्ट्र के हित में अपना योगदान देंगे। दिव्यांगजनों को सशक्त करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, क्या अयोध्या में जो दीप उत्सव मनाया जा रहा है उसमें भी इन लोगों की दिवालियां जो है वहां पर भेजी गई हैं? निश्चित, अयोध्या का दीप उत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही विख्यात रहता है। चूंकि हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार अयोध्या में दीपावली के शुभ अवसर पर दीप उत्सव के माध्यम से कीर्तिमान स्थापित करते हैं और उस दीप उत्सव में हमारे बहुत सारे दिव्यांग जन भी अपने दीप उत्सव में सम्मिलित होकर अपना योगदान देते हैं। सर, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, क्या कुछ तैयारी है? विपक्ष कहीं ना कहीं जीत की तैयारी करता हुआ दिखा रहा है, आपकी तरफ से क्या तैयारी? उत्तर प्रदेश की सभी 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी तैयारी को पहले से पूर्ण किया है। उत्तर प्रदेश की जनता का मनोभाव और समर्थन इस बात की ओर इंगित कर रहा है कि हमारी पार्टी प्रदेश की सभी 9 सीटों पर विजय प्राप्त करने वाली है। धन्यवाद। ये थे मंत्री नरेंद्र कश्यप, जिन्होंने नेटवर्क 10 से बात की। उनका साफ कहना है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले 9 सीटों पर उपचुनाव में एक बड़ी जीत बीजेपी की होगी। वीडियो इंद्रीप साथ में लाल चंद्र, नेटवर्क 10, लखनऊ।